For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। Well, ये मैं तो डेफिनेटली नहीं जानती कि मुझे कितना प्यार है हमारे 1.1 मिलियन फॉलोअर्स यानी कि सब्सक्राइबर्स से, लेकिन हाँ एक और कोई है जो ये सवाल लेकर आ गया है और वो और कोई नहीं बल्कि है करणवीर बोरा। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा, दिस इज ज्योति नाहक। गाइज, करणवीर की मच अवेटेड फिल्म जिसका वो काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे, वो फिल्म जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी करणवीर बात कर चुके थे, उन्होंने काफ़ी बार कहा था कि उनका मच अवेटेड प्रोजेक्ट है ये, उसका ट्रेलर आज फाइनली रिलीज हो गया है और ट्रेलर धमाकेदार है। यस, इस बात की गारंटी मैं ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ट्रेलर में डेफिनेटली एक ऑब्सेशन दिखाया गया है जहाँ करणवीर ऑब्सेस्ड नजर आ रहे हैं अपनी लव्ड वन से, यानी कि प्रिया बैनर्जी से। यस, और जो थर्ड लीड है यानी कि जो थर्ड लव इंटरेस्ट पोर्ट्रे कर रहे हैं वो है समीर कोचर। यस, ये तीन ऑनसेंबल कास्ट है, ये तीन मेजर लीड कास्ट है, समीर कोचर, प्रिया बैनर्जी एंड करणवीर बोरा, ये तीनों ही एक ट्राइंगल लव स्टोरी में नजर आ रहे हैं, जहां पर ट्रेलर देखकर ये डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि करणवीर जो है वो प्यार करते हैं प्रिया से और उसके बाद प्रिया जो है वो कहीं ना कहीं समीर कोचर से थोड़ा सा अटैच्ड है, थोड़ा सा उनसे प्यार करती हैं। तो ये किस तरीके से टर्न आउट होने वाली है स्टोरी, वेल अगर दोस्तों मैं बात करूँ जिस तरीके से ये ट्रेलर देखा है, कुछ पुरानी यादें ज़रूर ताज़ा हो गई हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ विराज की। यस, यानी कि एक सीरियल बहुत पहले आया था जिसकी वजह से करणवीर को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, सौभाग्यवती भव, जिसमें विराज ने एक ऑब्सेसिव लवर का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था जो कि अपनी वाइफ से इतना प्यार करते हैं कि वो ऑब्सेस्ड थे उनसे। कुछ ऐसा ही साइकिक लवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं करणवीर इस ट्रेलर में भी। वेल डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग परफॉर्मेंस होने वाली है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग कितना एक्साइटेड हो वीडियो के नीचे जाओ, कॉमेंट्स करके मुझे बताओ। एंड साथ ही साथ इतने अच्छे कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में, ऑनसेंबल कास्ट होने के साथ साथ इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत पावरफुल लग रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ टीजे, जी हाँ, जो कि करणवीर की वाइफ है, उन्होंने भी इस फिल्म को क्रो प्रोड्यूस किया है। बहुत टाइम से करणवीर ने ये बात कही थी बिग बॉस से जब वो निकले थे, तभी से उनकी ये बात जारी थी कि उन्हें ये फिल्म करनी है, उन्हें फिल्म में वापसी ज़रूर करनी है। तो ये है वो प्रोजेक्ट जिसको लेकर करणवीर सुपर डुपर एक्साइटेड थे, विच इज़ नाउ इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। तो आप लोग वीडियो के नीचे जाओ, कमेंट्स करके मुझे बताओ कि आप लोगों को ट्रेलर कितना पसंद आया और कितने एक्साइटेड हो करणवीर को वापस से वो साइकिक लवर वाले रोल में देखने के लिए। सो वीडियो के नीचे जाओ, कमेंट्स करके मुझे बताओ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल मूवीज अड्डा। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।